गले में चाकू लगने पर एक युवक को इलाज के लिए गुरुवार को परिजन दमोह जिला अस्पताल लाए, जहां युवक का इलाज जारी है। बताया गया है कि आमचोपड़ा निवासी ढाबा संचालक जयदीप उर्फ चिट्टू यादव पिता कोमल यादव 30 वर्ष का इलाज दमोह जिला अस्पताल में जारी है। मौके पर जबलपुर नाका चौकी से एएसआई परसोत्तम मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल से जानकारी ली। वहीं हालत गंभीर होने पर घायल को जबलपुर रेफर कर दिया गया। चाकूबाजी का आरोपी शंकर को जबलपुर नाका चौकी प्रभारी रामवतार पांडे व उनकी टीम ने कुछ घंटे में गिरफ्तार कर लिया। गले में चाकू लगने पर हालत गंभीर, किया जबलपुर रेफर। जबलपुर नाका पुलिस की खुली पोल, दुसाहिक वारदात ने पुलिस के दावों और इंतजामों की पोल खोल दी। बदमाशों का तांडव वारदातों के रूप में उभर कर आ रहा है। आपको जानकर हैरत होगी, जबलपुर नाका चौकी प्रभारी बदलने पर भी अपराधों का ग्राफ गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपराधों में अंकुश लगाने में जबलपुर नाका पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। दिन दहाड़े सुबह ढाबा के मालिक जयदीप यादव पर हुए चाकू कांड ने कानून व्यवस्था को तार तार कर दिया। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। क्या कह रहे हैं? एक ढाबा के सामने आमचोपड़ा। कौन है आपका? छोटा भाई। क्या नाम है? जयदीप यादव। क्या हो गया? कुछ नहीं, सुबह से ही गए होंगे ढाबा के पीछे, खाली एरिया पड़ा तो वहीं बैठा हुआ, और कोई एक लड़का आया, उसका नारायण का लड़का, उसने चक्कू मार दी। क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम नहीं जानकारी, लेकिन नारायण बाजू में रहता है, उसका परिवार गुरु नानक स्कूल के पीछे रहता है।